जैसा कि हमारे पीजे भाई ने कहा है, डंकी माँ के हाथ का वो खाना है जो कि कभी बुरा हो ही नहीं सकता। एंड मैंने अभी जस्ट डंकी मूवी देखी एंड आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स लैक कर रहा हूँ। आई एम कम्प्लीटली स्पीचलेस आफ्टर द मूवी। तो ये एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है पंजाबी का। जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हमको रोकने वाले? चल वे वतना फेर मिलांगे। तो राजकुमार हिरानी की डंकी स्टारिंग शाहरुख खान थिएटर्स में आ चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आपको ये मूवी देखने जाना चाहिए? तो डेफिनेटली यस, ज्यादा सोचो मत, मूवी की टिकट लौट जाके मूवी देख लो। बस एक चांस दो मूवी को, ये मूवी आपको कभी डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकती। मैं खुद अग्री करता हूँ, मूवी का प्रमोशनल मटेरियल, उसके टीजर और ट्रेलर उतने एक्साइटिंग नहीं थे फर्स्ट ग्लैंस में, लेकिन मूवी उससे कहीं ज्यादा है। मूवी में ह्यूमर है, मूवी में इमोशंस है, और खत्म होते होते ये मूवी तुम्हारा दिल ले जाती है। ऊपर से मूवी के एंड में जब वो अपना सोशल मैसेज देते हैं, उस सोशल मैसेज को देखने के बाद मैं बस वहाँ सीट पे बैठा था 5-10 मिनट, और मैं एक्चुअली में सोच रहा था कि मूवी एक्चुअली में कितनी डीप है एंड मैंने अभी भी क्या एक्सपीरियंस किया है। एंड ये काइंड ऑफ एक अच्छी मूवी की पहचान है, जिसको देखने के बाद आप थोड़ा सा ठहर जाते हो, खुद से क्वेश्चन करते हो कि एक्चुअली में अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या एक्सपीरियंस किया। आई थिंक डंकी के फर्स्ट हाफ में जो ह्यूमर उन लोगों ने डालने की कोशिश करी वो मेरे लिए वर्क नहीं करता, क्योंकि जब अपने कैरेक्टर्स इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं वहां पे काफी ह्यूमर डाला गया है, लेकिन वो मुझे एक पॉइंट पे आके थोड़ा सिली लगने लगा था। हालांकि बाकी की जो ऑडियंस मेरे थिएटर में थी वो काफी एंजॉय कर रहे थे, काफी हंस रहे थे थिएटर्स में, तो आई गेस ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन होने वाला है मेरा। इसके अलावा मूवी की कास्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया है, काफी रिमार्केबल वर्क था सभी की तरफ से। ऐसा कहीं फील नहीं होता कि इनकी एक्टिंग ऑफ है, उनके इमोशंस तुम्हें स्क्रीन पर इजिली दिखते हैं एंड यू कैन इजिली फील इट। अब एक्टिंग परफॉर्मेंस में मैं एक अप्रिसिएशन अलग से देना चाहूंगा, स्पेसिफिकली विकी कौशल को। जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को प्ले किया वो बहुत अच्छा था, वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा हिट करता है मूवी में। एंड साथ ही साथ जिस तरह से उसके कैरेक्टर को लिखा गया है, स्टार्टिंग में उसको टेंस्ड दिखाया जाता है कि वो किसी चीज को लेके परेशान है, और जब वो रीजन हमें पता चलता है तो तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। मतलब उसके रीजन को सुनने के बाद तुम काइंड ऑफ सैड फील करते हो उस कैरेक्टर के लिए, एंड यू फील कि ये बंदा सक्सीड हो जाए, इसे वीजा मिल जाए, और जो भी इसका मोटिवेशन है, जो भी इसका गोल है, वो लंदन जाके ये पूरा कर ले। बट इवेंचुअली मूवी मेकर्स ने उस कैरेक्टर को लेके कुछ अलग प्लान्स किए थे। अब आई थिंक आपको वो चीज पता होगी किस बारे में बात करूं, और अगर नहीं पता है तो मूवी जाके देख लो। अभी इन एक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंस तुम्हें स्क्रीन पर इमोशंस तो फील कराती है, लेकिन ये इमोशंस तुम्हें 100 गुना और भी ज्यादा हिट करते हैं जब मूवी के सॉन्ग्स प्ले होते हैं। उनमें भी मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा सोनू निगम का गाया हुआ निकले थे कभी हम घर से, ये सॉन्ग मूवी के एंड में जब ये सॉन्ग शुरू होता है, मतलब आप अपने आंसू नहीं रोक सकते। अगर आप ठीक तरीके से मूवी के कैरेक्टर से कनेक्ट हो गए तो फिर उस सीन पे जाके आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे, क्योंकि मूवी उतना ज्यादा हिट करती है। अब मूवी के एंड की बात हो ही रही है तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मूवी नहीं देखी है तो भाई आप रेड चिलीज के वर्क का एक शो ऑफ देखने वाले हो कि किस लेवल का वर्क वो कर सकते हैं। एंड मूवी के एंड में उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जहां उन लोगों ने एक पूरे सीन को क्रिएट किया है वीएफएक्स और सीजीआई की हेल्प से, जो कि ब्रिलियंट दिखता है। मतलब कोई भी ऐसा एरर फील नहीं होता वीएफएक्स में जो वहां पे तुम देख सको, नोटिस कर सको, इट्स कंप्लीटली फ्लुएंट। एंड एट द एंड इस मूवी की सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये SRK की मूवी नहीं है, ये राजकुमार हिरानी की मूवी है। जैसा कि बाकी की SRK की मूवीज में तुम स्क्रीन में शाहरुख खान को ढूंढते हो कि एक्चुअली में हमारा एक्टर, हमारा प्यारा एक्टर कहाँ गया, और जब भी वो स्क्रीन में दिखते हैं तो उनका चार्म और उनका ऑरा फील होता है हमें स्क्रीन पे, पर इस मूवी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मूवी में शाहरुख खान को देख के लगता है ही इज जस्ट अ रैंडम डूड प्लेइंग अ कैरेक्टर, जो कि आई थिंक इस मूवी की सबसे बढ़िया बात है। एंड ये डिसीजन प्रोबेबली राजकुमार हिरानी का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि इस वजह से शाहरुख खान वो पूरी लाइमलाइट नहीं ले जाते बाकी कैरेक्टर से, जैसा कि वो बाकी मूवीज में ले जाते हैं। वो एकदम स्टील द शो वाली बात होती है ना, शाहरुख खान वही करते हैं मूवी, मतलब फैंस और किसी को देखते ही नहीं है उनके मूवीज में, जो कि बुरी बात नहीं है, मैं खुद शाहरुख खान को ही देखने आता हूँ थिएटर्स में। बट ये मूवी उस फील्ड में अच्छा करती है और अपने बाकी के कैरेक्टर्स में भी लाइमलाइट डालती है, जिसकी वजह से आप बाकी के कैरेक्टर से भी ज्यादा फील करते हो एंड उनके इमोशंस भी तुम्हें हिट करते हैं। एंड जब मूवी खत्म होती है तो एक काफी हार्ट वार्मिंग से फील आती है, एंड यू जस्ट स्टॉप अ सेकंड एंड रियलाइज कि व्हाट हैव आई एक्सपीरियंस्ड। एंड उनमें भी जब तुम सोशल मैसेज के बारे में सोचते हो कि एक्चुअली सारी चीजें जो हमें दिखाई गई है ये एक्चुअली में लोग फेस करते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को, तो फिर आपको कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है एंड यू लिटरली फील द कैरेक्टर्स ऑफ द मूवी कि एक्चुअली में जब मूवी के अंदर इन लोगों ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया तो रियल लाइफ में लोग कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। मेरी मानो तो ज्यादा मत सोचो मूवी के बारे में, जाके देख लो, हाईली रिकमेंडेड। अब आई नो कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा जंबल्ड सा फील होगा, बट ये सॉर्ट ऑफ एक रिव्यू वीडियो नहीं था, ये बस मेरी फीलिंग्स थी जो कि मुझे इस मूवी को देखने के बाद आई, एंड मैंने उन फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा एज द वे दे वर
ना कि उसे एक प्रोफेशनल रिव्यू की तरह। बाकी यही था छोटा सा वीडियो डंकी मूवी के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अभी, एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।